So the first question is, the concrete produced by using fly ash and alkali activator solutions along with aggregates is option A, rapid hardening concrete, B, no fines concrete, C, fiber reinforced concrete, G, D, geopolymer concrete, UK CCC JE 2020 में question पूछा गया है. So concrete को produce किया जा रहा है fly ash से और alkali activator solution से produce किया जा रहा है, ठीक है. सो नो फाइंस कॉन्क्रीट में क्या होता है, इसमें जो सैंड होता है वो नहीं होता है, ठीक है. फाइबर इन्फोर्स कॉन्क्रीट में क्या होता है कि हम डिफरेंट टाइप्स के फाइबर को मिलाते हैं ताकि कॉन्क्रीट की फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाए. एंड जियोपॉलीमर कॉन्क्रीट में हम क्या करते हैं, बाइंडिंग मटीरियल लाइक सीमेंट हम यूज नहीं कर सकते, सीमेंट यूज नहीं करते हैं. तो वहाँ पर हम लोग क्या यूज करते हैं, फ्लाई ऐश और एल्केली एक्टिवेटेड सॉल्यूशंस को यूज किया जाता है फॉर द बाइंडिंग्स के लिए. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा, दैट इज जियोपॉलीमर कॉन्क्रीट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडी मिक्स कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी इंप्लॉयज रिटार्डर फॉर द पर्पस ऑफ ऑप्शन ए रिटेनिंग द स्लम, बी इंक्रीजिंग द वाटर सीमेंट रेशियो, सी इंक्रीजिंग द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड डी इंक्रीजिंग द ड्यूरेबिलिटी, यूके CCC JE 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है. सो रेडीमेड कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ, अगर उसमें हम लोग रिटार्डर मिलाते हैं तो क्यों मिलाते हैं, इसलिए मिलाते हैं ताकि जो स्लम है कॉन्क्रीट का वो रिटेन रहे. तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोनेशन ऑफ कॉन्क्रीट अकर्स ड्यू टू पेनिट्रेशन ऑफ ऑप्शन ए सिलिकेट, बी ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, डी सी वाटर एंड डी कार्बन मोनोऑक्साइड, यूके CCC JE 2020. सो कार्बोनेशन ऑफ कॉन्क्रीट अकर ड्यू टू द पेनिट्रेशन ऑफ दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से कार्बोनेशन ऑफ कॉन्क्रीट जो है वो होता है. तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द होल सर्किट बेयरिंग ऑफ अ लाइन इज 120 डिग्री, इट्स रिड्यूस्ड बेयरिंग इज ऑप्शन साउथ 20 डिग्री ईस्ट, बी ऑप्शन साउथ 60 डिग्री ईस्ट, सी ऑप्शन नॉर्थ 120 डिग्री ईस्ट, डी ऑप्शन नॉर्थ 60 डिग्री ईस्ट, यूके CCC JE 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है. सो बोला जा रहा है कि होल सर्किट बेयरिंग है, सो नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट. सो होल सर्किट बेयरिंग में कितना गिवन है एंगल, दैट इज बेयरिंग कितना है 120 डिग्री. तो रिड्यूस बेरिंग कितनी होगी, तो ये रिड्यूस बेरिंग ये होगी, ठीक है. तो रिड्यूस बेरिंग इज इक्वल टू कितना हो गया, इट इज 180 माइनस 120 डिग्री, तो कितना आ गया 60 डिग्री आ गया. और ये कितना होगा, इट इज साउथ ईस्ट, तो साउथ और ईस्ट. तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, रिड्यूस बेरिंग इट इज साउथ 60 डिग्री ईस्ट. तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथड ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग इज ऑब्लिक आर, ऑप्शन ए रेडिएशन मेथड, ऑप्शन बी इंटरसेक्शन मेथड, ऑप्शन सी ट्रेवर्सिंग मेथड, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, यूके CCC JE 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है. सो मेथड ऑफ प्लेन टेबल के कौन कौन से होते हैं, रेडिएशन मेथड भी होता है, इंटरसेक्शन मेथड भी होता है, ट्रेवर्सिंग मेथड भी होता है. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी जो करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द अबव. होगा आपको वीडियो अच्छी लग रही है, अगर अच्छी लग रही तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें. नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय यूजिंग एन एनालिटिक लेंस, ऑप्शन ए द मल्टीप्लाइंग कॉस्टिंग इज मेड एज 100, बी ऑप्शन एडिटिव कॉन्स्टेंट इज मेड एज 100, सी ऑप्शन एडिटिव कॉन्स्टेंट इज मेड एज 0, डी ऑप्शन द मल्टीप्लाइंग कॉन्स्टेंट इज मेड एज 0, यूके CCC JE 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है. सो डी इज इक्वल टू होता है, इट इज के एस प्लस सी, एंड K की वैल्यू कितनी होती है, K इज इक्वल टू 100 लिया जाता है कॉन्स्टेंट की, और C इज इक्वल टू 0 लिया जाता है. तो क्या हो गया, दैट इज 100 S प्लस C. अब K जो है ये क्या है, मल्टीप्लाइंग कॉन्स्टेंट है, और C जो है एडिटिव कॉन्स्टेंट है. इसका मतलब कि मल्टीप्लाइंग कॉन्स्टेंट की वैल्यू हो सकती है 100 हो सकती है. तो यहाँ पे मल्टीप्लाइंग कॉन्स्टेंट इज मेड एट 100, ठीक है, तो करेक्ट हो गया. सेकेंड क्या है कि एडिटिव कॉन्स्टेंट की वैल्यू हम लोग 0 लेते हैं, ले सकते हैं, ठीक है. तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे एडिटिव कॉन्स्टेंट इज मेड एज 0. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए भी होगा और ऑप्शन सी भी होगा इस क्वेश्चन में. नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ लोड्स ऑन द बीम आर, ऑप्शन ए कंसंट्रेटेड और पॉइंट लोड, ऑप्शन बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड और यूडीएल, सी ऑप्शन वेरिंग लोड एंड डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव, यूके CCC JE 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है. तो अगर बीम में कौन कौन से लोड होते हैं, तो पॉइंट लोड भी होता है, ठीक है, यूडीएल भी होता है, कंसंट्रेटेड लोड, ठीक है,
यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड भी होता है और वेरिंग लोड भी होता है इस टाइप से, ठीक है। तो इस तीनों टाइप के लोड्स आते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ सॉइल हैव सेम वैल्यू ऑफ लिक्विड लिमिट एंड द प्लास्टिक लिमिट इस टर्म्स एज, ऑप्शन है सिल्ट, बी ऑप्शन सैंड, सी ग्रेवल एंड डी ऑर्गेनिक सॉइल, UKTSC J 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। सो यहाँ पे लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट की वैल्यू सेम है, ठीक है। अगर सेम है तो अगर इसका प्लास्टिसिटी इंडेक्स निकाले, ठीक है, तो क्या होता है, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, तो ये कितना आएगा, जीरो। अगर प्लास्टिक इंडेक्स की वैल्यू जीरो है तो सॉइल कैसी होती है, नॉन प्लास्टिक सॉइल होती है। सॉइल कैसी होती है, नॉन प्लास्टिक सॉइल होती है, और नॉन प्लास्टिक सॉइल कौन सी होती है, जैसे सैंड होती है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा, सैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पॉलीमर इम्प्रेगनेटेड कंक्रीट इज एन एक्सीलेंट मटेरियल्स फॉर, ऑप्शन ए मैरीन एंड अंडरग्राउंड एप्लीकेशन, सी ऑफ बी ऑप्शन रेलवे स्लीपर, सी ऑप्शन एयरपोर्ट रनवेज, डी ऑप्शन हाई राइज बिल्डिंग, UKTSC JEE 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। सो पॉलीमर इम्प्रेगनेंट कॉन्क्रीट इज एक्सेलेंट मटेरियल फॉर किसके लिए होता है, फॉर मैरीन एंड अंडरग्राउंड एप्लीकेशन के लिए होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीव एनालिसिस इज मेड टू डिटरमाइन, ऑप्शन ए फाइनेस मॉडल, बी स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट, सी शेप ऑफ द एग्रीगेट, डी नॉन ऑफ द अबव, UKTSC JEE 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। सो सीव एनालिसिस किस लिए किया जाता है, सीव एनालिसिस टू फाइंड द फाइनेस मॉडल्स के लिए किया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। थैंक यू, होप आपको वीडियो अच्छी लगे, अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।